हे गाइस, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ श्रीमद् भागवत रहस्य। जय श्री राम, जय हनुमान। डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में आगे कहते हैं, सूत जी समझाते हैं, सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आसरा लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे, वही धुंधली है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है, वही धुंधकारी है। द्रव्य सुख यानी कि मनी। सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वैश्याओं में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वैश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह शव के हाथों से खाता था, साफ लिखा है शव हस्ते भोजनम। शव के हाथ कौन से हैं? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ शव के हाथ है। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा ना हो, जो हाथ परोपकार ना करे, वे हाथ शव के हाथ ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा ना करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया है कि वह स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के बाद सत्कर्म ना हो तो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म ना किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे के समय में जो स्नान किया जाए वह ऋषि स्नान है। इसके बाद 5 से 6 बजे तक के समय में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और 6 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन, शौच आदि करना योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव है, उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो, सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किए जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता है किंतु पाप का प्राशन करता है। गीता में कहा गया है, भुंजते ते त्वग पापा ये पंचत्यात्म कारणान। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्नोत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो कौन देगा? पुत्र के दुराचरणों को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। उसने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया, अब तो वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है, यह संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका? संसार को वह बंधिया सुत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर बार छोड़कर वनगमन करो, घर के मोह का अब त्याग करो, सब कुछ समझ बूझ कर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छोड़ाएगा। देहे अस्थिमो रुधिरे अभिमतम त्यज तम जाया सुतादिशु सदा ममता विमुच्चम पश्यानिशम जगादिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भागवत महात्म्य अध्याय 4 श्लोक 79। यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। श्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो, यह संसार क्षण भंगुर है। इनमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन को सांसारिक विषयों में वीतरागी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। जब तक संसार आसक्ति नष्ट ना होगी तब तक भगवत आसक्ति सिद्ध ना होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकेंगे तो और तो अपना होगा ही कौन। पिताजी अब बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही, गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में परदोष दर्शन विघ्न हरता है, अतः परदोष दर्शन का त्याग करो। पिताजी अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवानमय जीवन बिताओ। भगवानमय जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं, मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पदच्छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो, समझे बिना और अतिशय शीतता से पाठ मत करो। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया, मानसी सेवा करने लगा, एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मग्न रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए, ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जब पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव सतत भगवान
भागवत ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ करते हैं, इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए, जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो आसरा ले वह भगवान बनता है, ईश्वर होता है, उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। श्री परमात्मा के दो स्वरूप है, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप। श्रीमद भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है, स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती नहीं है। उसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन है कि यदि यह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी, ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद और भी दंड भुगतना पड़ेगा। सो इसे धुंधकारी को हम मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच के उन्होंने धुंधकारी को रस्सी में बांधा और उसे गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं। अतिपापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती। वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और मार भी डाला। पांच इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं और उस समय जीव तड़पता है, छटपटाता है और उसके बाद वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वैश्याओं ने ही किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए वह है धुंधकारी। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना, वह गया जी गया और उसने वहां धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया की। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है, वहां श्री विष्णुपाद है। इसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नामक एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे, आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत हो गए कि यह असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घकाल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा, अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड पर उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए, ब्रह्मा जी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से तीर्थ वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सदगति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृश्राद्ध करने वाले को के पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर को लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथों में। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है, तेरी ऐसी दशा क्यों हुई, तू भूत है, पिशाच है या राक्षस है। प्रेत ने कहा कि मैं भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है, मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा कि तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों ना हुआ। प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध क्षति नापि मुक्ति में न भविष्यति, चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल श्राद्ध मात्र उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सदगति कैसे मिलेगी, क्या करूं। पर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। यह त्रिकाल संध्या का फल है, ब्राह्मण को चाहिए कि यह त्रिकाल संध्या कभी ना चुके। त्रिकाल संध्या करने वाला ना तो कभी मूर्ख रहता है और ना तो कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा। गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई को सदगति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधि पूर्वक कथा कर। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है, भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया किंतु उसे बैठने के लिए जगह ना मिली, तो 7 गांठ वाले बास में वह प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। पास में से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके वह बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया, धन्य है भागवत कथा। जड़ मांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों ना टूटे। विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं, पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है, इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूसरे का साथ मिला है, ऐसा सोचे तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। मार्ग में मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति,
पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, व्यावसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घरबार की आसक्ति, गांव की आसक्ति, इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या को सात गांठ कहा गया है। इनमें जीव बंधा हुआ है जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है, जीव वासनाओं में फंसा है, वासना से ही जीव में जीव भाव आया है। वह निष्काम से सकाम बना, वासनाओं की ग्रंथियां जब तक न छूटे तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ग्रंथियां टूटती हैं, प्रभु से प्रेम पड़े तो आसक्तियों की ग्रंथियां टूटने लगे। श्री भगवान के नाम का जप करेंगे और वही एक सत्य है ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएगी। धन्यवाद मित्रों। मित्रों, आज के सत्संग में श्री डोगले जी महाराज की वाणी का यदि हम मनन करें तो दो बातें हमें खास समझ में आती है। पहली तो ये कि अगर शास्त्र पुराण में लिखा है कहीं पर कि धुंधकारी तो स्नान भी नहीं करता था, वो तो कुछ नहीं करता था, तो उसका उन्होंने समझाया है कि स्नान क्या करना, पानी डाल करके तो कोई भी निकलता होगा, पर स्नान के बाद क्या आप कुछ पुण्य कर्म करते हैं, क्या आप किसी की सेवा में लगते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शव के हाथों से खाना खाना, ऐसे हाथ जिनके द्वारा किसी तरह की कोई सेवा ना होती हो। अब आप बोलेंगे कि आज के टाइम में सेवा कैसी करें और क्यों करें और किस लिए करें। जरूरी नहीं है कि आप दुनिया में जाकर के 100-100 किलो गेहूं के पूड़ियां तलवा करके बांट रहे हैं। आप अपने घर से सेवा कर सकते हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप को अगर आप सुबह एक कप चाय या गर्म दूध या पानी भी अगर देते हैं तो वो भी सेवा के बराबर ही है। सबसे बड़ी सेवा जो है सबसे पहले अपने माता पिता की, अपने घर की होती है। यदि आप विवाहित है तो अपनी स्त्री की रसोई में हाथ बटा सकते हैं, अन्य कार्य कर सकते हैं। यदि अविवाहित है तो आपके पास यदि समय है तो किसी को विद्या का दान दे सकते हैं। यदि वो भी नहीं कर सकते हैं आप लोग, तो फिर आप लोग ऐसा कीजिए